जय माता दी। हम क्लास 9th की बी हाइव बुक की पोम्स को कवर कर रहे थे, उसी में से आज एक और पोम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। इट इज फॉलोड बाय द चैप्टर काठमांडू। अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील का क्या मतलब होता है? स्लम्बर दैट मीन्स स्लीप, डिड माई स्प्रिट मतलब आत्मा, और सील मतलब कैद कर देना, कि एक ऐसी नींद जिसने मेरी आत्मा को कैद कर दिया। तो किस वे में इसमें दिस पोम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्स वर्थ, और वो क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी नींद है और किसकी वजह से उनकी आत्मा जो है वो सील हो गई, उनकी स्पिरिट सील हो गई। सो ये जो पोम है ये एक एलेजी फॉर्म में लिखी गई है, दैट मीन्स कि किसी की डेथ पे लिखी गई है। सो विलियम वर्ड्स वर्थ ने बहुत सारी पोम्स जो है वो लूसी पे लिखी हैं। सो लूसी जो थी वो उनकी लव्ड वन थी। तो ये जो पोम है ये भी डेथ ऑफ ए लव्ड वन है, कि वो उनको लाइक करते थे और उनकी डेथ पे वो ये पोम को लिख रहे हैं। हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ? और इस पोम में ये भी बताया रखा है कि जो पोइट है उनको कैसा फील हो रहा है, क्या वो सोच रहे हैं उनकी डेथ को लेके, और साथ ही साथ में कि मतलब कैसा लग रहा है उन्हें, और हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, और डेथ के बाद में उन वो कैसे उसे इमेजिन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि डेथ के बाद में होता है ना कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये बन जाते हैं वो बन जाते हैं, सो उनके माइंड में वो क्या चल रहा है, वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि वो डेथ के बाद में क्या हो गई है, या फिर क्या बन गई है, क्या चेंज आ गया है। सो वो हम इस पोम में देखेंगे। ये पोम काफी छोटी है लेकिन इसमें यही चीज को बता रखा है कि वो कौन से स्लम्बर के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स जो ये लूसी पोम से ली गई है ये जो पोम है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी बिलव्ड के बारे में लिखा है, ये अपनी बिलव्ड को डेडिकेट किया है जिसका नाम लूसी होता है, और उसकी जो यहाँ पे जो डेथ है जिसको स्लम्बर बोला है, दैट मीन्स डीप स्लीप, परमानेंट स्लीप, डेथ की बात होगी। सो इसमें जो पोइट है वो इनफैक्ट रियलाइज नहीं करते हैं, मतलब जो ये चीजें होती हैं जो नेचुरल चीजें हैं, सबको पता है जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी होगी, लेकिन उन्होंने कभी ये चीजें रियलाइज ही नहीं की थी। लेकिन जब उनकी बिलव्ड लूसी जब फॉर एवर के लिए वो उसे खो देते हैं, तब उन्हें लाइफ का असली जो मीनिंग होता है वो उससे पता चलता है। तब तक तो वो लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन जो लाइफ का हार्श ट्रुथ है वो उनके डेथ के बारे में उन्हें पता चलता है। सो इससे आप समझ ही गए होंगे कि इस पोम में क्या बातें होंगी। तो ज्यादा बड़ी पोम नहीं है, ओनली 8 लाइन्स की पोम है। तो शुरू करते हैं, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। इन 2 लाइन्स में क्या बताया है पोइट ने कि स्लम्बर दैट मीन्स स्लीप, और डिड माई स्पिरिट सील दैट मीन्स सोल, कि जिसने मेरी सोल को सील कर दिया है, दैट मीन्स उनकी जो सोल थी वो सील ही थी, उन्हें कभी पता ही नहीं था कि एक्चुअल में लाइफ का क्या मतलब होता है। तो वो अब तक तो वो डीप स्लीप में ही थे, क्योंकि उसकी जो सोल थी वो ड्रिफ्टेड इनटू डीप स्लीप, बिकॉज उन्हें रियलाइज ही नहीं था, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ नहीं था। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स का मतलब होता है जो इंसान में जो डर होते हैं, जो मतलब रियलाइज होता है कि लाइफ क्या होती है एक्चुअल में, वो चीज़ पोइट को कभी समझ में ही नहीं आई। सो वो अब तक जो उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो सोल थी, वो सील ही थी, एक डीप स्लीप में थी, कि उन्हें कुछ भी नहीं रियलाइजेशन था ट्रुथ के बारे में। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। और शी सीम्ड अ थिंग दैट मीन्स शी, यहाँ पे कौन है? उनकी बिलव्ड लूसी, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि वो एक ऐसी चीज नजर आ रही थी जो कि फील नहीं कर सकती थी, कोई भी अर्थली ईयर्स को टच, दैट मीन्स द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, कि उनमें कोई फीलिंग्स नहीं रह गई थी क्योंकि वो खत्म हो चुकी थी। तो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि अब तक उन्होंने अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया था, उन्होंने कभी इस दिन के बारे में नहीं सोचा था। सो ऑफ कोर्स उनको काफी बुरा लगा है। सो वो इस चीज को देख के अब उन्हें ये चीज रियलाइज हो रही है, जब उन्होंने लूसी को खो दिया, कि डेथ ने उसे उनसे दूर कर दिया है, और अब जो है वो कुछ भी फील नहीं कर सकती है। और वो जो है साथ ही साथ में जो पॉइंट है वो इस लॉस को बियर नहीं कर पा रहे हैं। नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स सी नीदर्स,
हियर्स नॉर सीज, मतलब उसमें कोई मोशन नहीं है। अब यहाँ पे जो रियलिटी है वो बताई है कि आफ्टर डेथ ये नॉर्मल सी चीज है कि इंसान में ना कोई मोशन होता है, ना कोई फोर्स होती है, ना वो सुन सकता है, ना वो देख सकता है। सो वो कॉमन चीजें बता रखी हैं यहाँ पे कि अब जो पोइट है वो इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं कि लूसी जो है वो अब नहीं है, लूसी इज नो मोर, और अब वो मोशनलेस हो चुकी है, लाइफ लेस हो चुकी है, वो ना सुन सकती है ना देख सकती है। देन रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। इसका मतलब क्या होता है, रोल्ड राउंड, दैट मीन्स कि अब उन्हें दफना दिया जाएगा। डायरनल कोर्स का मतलब क्या होता है, डायरनल का मतलब होता है कि डेली जो अर्थ का डायरनल कोर्स होता है, दैट मीन्स कि अर्थ डेली जो रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पे, उन सब चीजों में, क्योंकि अब जब लूसी को डेथ के बाद में दफना दिया जाएगा या उसे अर्थ के अंदर जब गाड़ दिया जाएगा तो वो अर्थ में ही मिल जाएगी। एसिमिलेट इन अर्थ, शी एसिमिलेट इन अर्थ एंड रोटेट करेगी वो अर्थ के साथ में ही, क्योंकि जैसे अर्थ का जो हमेशा का जो डेली का कोर्स होता है कि वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, सो वो भी अर्थ के साथ में रोटेट करेगी। और विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, दैट मीन्स कि इन्हीं में से एक दिन वो कुछ भी इन्हीं में मिल जाएगी, मतलब रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ट्रीज होते हैं जो अर्थ के अंदर होते हैं, उसके सरफेस में होते हैं अर्थ के, तो जो भी चीजें होती हैं, जो लोग खत्म होते हैं, तो वो एक ना एक दिन डिकम्पोज होते हैं और इन्हीं में से वो एक चीज बन जाएगी, इनमें वो समा जाएगी, मतलब या तो रॉक्स में या स्टोन्स में, ट्रीज में, जो भी है, सो इन्हीं का वो पार्ट बन जाएगी, इन्हीं में से कोई चीज बन जाएगी और वो अर्थ के साथ में रोटेट करेगी, जैसे कि अर्थ नॉर्मली जैसे कि रोटेशन करती है अपने एक्सिस में, तो वो भी साथ में करेगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे पोइट जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिन्हें खोते हैं वो हमारे नेचर में ही कहीं ना कहीं होते हैं, बस हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही अर्थ जो नेचर होता है उसी में समा जाते हैं और हम उनसे फिर कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सो इस पोम में यही बताने की कोशिश की है पोइट ने, और इसीलिए इसका जो नाम है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, की मतलब वो कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर ये कह लो कि उन्हें कभी इस चीज का रियलाइजेशन ही नहीं होता, वो हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं हर चीज को, लेकिन उन्होंने अपने बिलव्ड को खोकर इस चीज को रियलाइज किया था। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कॉमेंट सेक्शन, सो थैंक यू।